आज गंगटोक में आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 204वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूरे शहर में विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न स्कूलों के छात्रों, गैर सरकारी संगठनों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। 13 जुलाई को प्रसिद्ध कवि और लेखक भानुभक्त आचार्य की जयंती भानु जयंती के रूप में मनाई जाती है। आज गंगटोक सिक्किम की राजधानी पर 204वां भानु जयंती समारोह कार्यक्रम भव्य रूप में चल रहा है। सिर्फ राजधानी में नहीं, ये प्रत्येक गांव छाव विभिन्न सिक्किम का भाग में भी ये कार्यक्रम ऐसे ही भव्य रूप में चल रहा है। आज के इस दिन को पूरी दुनिया में नेपाली समुदाय के लोग सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्साह के साथ मनाते हैं। भाषा एक सभ्यता का चिन्हारी है, इसीलिए सभी मानिस का अपना अपना भाषा होता है, वो भाषा का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। इसीलिए ये भानु जयंती जो है नेपाली भाषा के मान्यता और नेपाली भाषा जितना विकास हुआ है, इसलिए ये एक नेपाली भाषा के लिए एक प्रमुख दिन है, आज का एक ऐतिहासिक दिन है। आदिकवि भानुभक्त को मुख्य रूप से नेपाली में हिंदू पवित्र पुस्तक रामायण का अनुवाद करने के लिए जाना जाता है। सिक्किम में यह उत्सव केवल नेपाली समुदाय तक ही सीमित नहीं है, जाति धर्म से परे सभी समुदायों के लोग भानु जयंती से संबंधित उत्सवों में भाग लेते हैं, जो कि सिक्किमी लोगों के बीच मौजूद सांप्रदायिक सद्भावना की पुष्टि करती है। सिक्किम विधानसभा के 9वें विधानसभा सत्र का कल समापन हो गया। सत्र के दौरान विपक्ष की आलोचना के बीच सिक्किम भूमि हस्तांतरण द्वितीय संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। बिल का उद्देश्य शेरपा समुदाय की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि समुदाय के भूमि अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तदनुसार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 3A में संशोधन के लिए उपधारा 5 प्रस्तावित किया गया है, जबकि सिक्किम डेनजोंग शेरपा एसोसिएशन ने विधेयक की निंदा की है और इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसे तानाशाही विधेयक करार दिया है। सभी विपक्षी विधायकों के विरोध के बावजूद इस विधेयक को पारित कर दिया गया। जादूगर जूनियर पीसी सरकार अपनी जादुई कला प्रदर्शित करने के लिए 5 दिन धर्मनगर में ठहरे हुए हैं। पीसी सरकार अपनी पत्नी जयश्री सरकार और बेटी मेनका सरकार के साथ 5 दिन धर्मनगर में ठहरकर विवेकानंद सारदो शतवार्षिकी भवन में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने जादूगर जूनियर पीसी सरकार को सम्मानित किया, साथ ही त्रिपुरा के इतिहास से जुड़ी एक पुस्तक उन्हें भेंट स्वरूप दी। সত্যমিত্রকে পেয়েছিলাম আমাদের বাঙালি মিত্র, আরেকজন বাঙালি যিনি বিশ্ব নাগরিক সারা পৃথিবীতে যে জাদুকে বা ইন্দ্রজাল দেখিয়ে আমাদেরকে মুগ্ধ করেন, আমরা গৌরব বোধ করি। আজকে আমরা আবার গৌরব বোধ করছি যে উনি সপরিবারে ধর্মনগর এসেছেন। ধর্মনগরবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে আমি আন্তরিক প্রীতি শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। পরিবারে সবাই যেন ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন। जूनियर पीसी सरकार सन 1980 में जादुई कला के प्रदर्शन के लिए धर्मनगर आए थे। इतने साल बाद धर्मनगर में हुए विकास को देखकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। प्रत्येक मध्ये একটা করে পিসি সরকার লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকে যে অন্যকে আমরা বলি কেউ তবলা বাজালে যে ভালো তবলা বাজালে বলি যে ওনার হাতে জাদু আছে, তাই না? এভাবে ভালো ফুটবল খেলে বলি ফুটবলের জাদুকর, হকির জাদুকর, এরমভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক চূড়ান্ত ভালোকে তখন জাদুকর বলা হয়, তাই না? আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা করে জাদুকর লুকিয়ে আছে, সেই জাদুকরকে প্রকাশ করতে হবে, তাকে সমর্থন করে সমাজ যেন সমর্থন করে হাতে হাত মিলিয়ে টেনে নেয়, তাহলে আপনার যে যার ফিল্ডে
কেউ হয়তো অঙ্কে ভালো, অঙ্কের জাদুকর হয়ে যাবে, কেউ হয়তো ফুটবলে ভালো, ফুটবলের জাদুকর হয়ে যাবে। गुरुवार को ऑल त्रिपुरा नर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने गोमती जिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उदयपुर सब डिवीजन में नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों पर किए गए हमले की घटना की निंदा की। याद दिला दे कि मंगलवार की रात को एक मरीज अमूल्य डे की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी। ऑल त्रिपुरा नर्सिंग एसोसिएशन के दो सदस्य शिखा देव और अंजलि दास ने नर्सों से मुलाकात की और उनसे घटना का ब्यौरा लिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गत 10 तारीख जो घटना डाक्टर एवं नर्स के ऊपर जो अत्याचार हुए थे एक पेशेंट ने अन्याय भावे से खुशखबर नीते एखे एसे हमार सिस्टर सुखिया जमातिया এবং অন্যান্য স্টাফদের এবং আমাদের যে ম্যাট্রন ইনচার্জ আছেন মনোরমা চক্রবর্তী ওনার থেকে যা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে অন্যায়ভাবে আমাদের সিস্টারদের উপর এবং ডাক্তারদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ মারধরের হুমকি দেওয়া হয়েছিল যেটা একদম আমরা আশা করতে পারি না। नर्सों ने बताया कि उन पर भले ही शारीरिक हमला न किया गया हो लेकिन भीड़ ने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्नत स्तरे पहुंचे देवर सेई राज्य एरकम घटना आमरा मानते पारि ना ताई आमरा आशा करब माननीय स्वास्थ्यमंत्री काछे आमरा डेपुटेशन दिब अपमान एवं निर्यातनेर जन्य एगिए जारा आसछे तादेर उपयुक्त शास्ति आमरा चाई। बहरहाल नर्स एसोसिएशन ने हमले के दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है, साथ ही लगातार ऐसी घटनाएं होती रही तो हड़ताल की चेतावनी दी है।